अबे साले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांभो। सही वाला नोहा, मदनी नोहा। नोहे की तारीफ ये है कि चीख चीख कर रोना, तो ये नोहा जो है ये हराम है। मर्द औरत दोनों के लिए नोहा हराम है, तो जिसने भी किया उसके लिए वाजिब है कि वो तौबा करे। रुको जरा, सबर करो। ये तो बात गलत है। हम लोग बीमार होते हैं तो हमें कहते हो फलां मजार के ऊपर ले जाओ, तुम लोग बीमार होते हो तो शिफा और आगा खास से नीचे बात नहीं करते हो। ये बापा जानी जो है इनका कुछ साल पहले पेशाब बंद हो गया था, आगा खान में ऑपरेशन हुआ है, क्यों नहीं लेके अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर जिन्होंने समुंदर रोका हुआ है, तो इनका रुका हुआ पेशाब बहाल कर दे। गल्ला कहानियां तुसी भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह कर करके इन्होंने दिमाग खराब किया है। इनका क्या करना है, वैसे इनका दिमाग नहीं खराब होता, दिमाग आपके खराब हुआ है। वो तो अब भी सब कुछ एक अच्छी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। जरा से बीमार होते हैं तो ये जाके इतने महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं और आपको बैठ के तावीज लिख के दे रहे होते हैं और पैसे लेके। इसका मतलब इन्होंने आपको कराई हुई कहानी। हमने तो कई दफा कहा कि जिसके बारे में आपको जोम है ना कुछ कर सकता है, ठीक है जी, रूहानी इलाज, रूहानी बाईपास। बाईपास तो बहुत बड़ी चीज है। एक नौ मौलूद बच्चा जो पैदा हुआ है उसका कोई खतना कर दे, कोई वजीफा पढ़ के या कोई निगाह मार के, ये किसी बुजुर्गाने दीन की हड्डी तोड़ते हैं वो अपनी हड्डी जोड़ के बता दे निगाह मार के, बाकी सारे काम ये खुद कर रहे हैं। यानी इनकी जब जूती टूटती है वैसे तो ये नहीं ले लेते हैं, गांठी तो हमने होती है, कभी इन्होंने निगाह मार के जूती गांठी है अपनी। बच्चों की किताबें निगाह मार के जिल्द करते हैं, जिल्द सास को देके आते हैं। आपको सारी इन कहानियों में लगाया हुआ है। अल्लाह ताला इन शरीर लोगों के शर से इस उम्मत को बचाए, इंसानियत को बचाए। सल्लु अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعين الى يوم الدين।